फाइनली हमारा अरबी का करी मस्त बनी, बहुत टेस्ट भी बनी है, भारी स्वादिष्ट, एकदम चिकन जैसा लग रहा है उसका। मस्त बनी है, भाभी ने मस्त बनाई। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। फिलहाल अभी हो रहा है सुबह को 7:30। बस अभी हम जाएंगे बाबूजी को छोड़ने मार्केट, क्योंकि बाबूजी जा रहे हैं समधी जी के घर। बस उनको थोड़ा बस स्टॉप पे छोड़ के आना है, और सुबह सुबह उठ के गेलू पढ़ाई कर रहा है, बस उसे मैं पढ़ा रहा था। बस अभी जाऊंगा बाबूजी को छोड़ने, बस थोड़ा मार्केट में भी थोड़ा काम है, और चलते हैं अभी। फाइनली मैं बाबूजी को बस स्टॉप पे छोड़ के आ चुका हूँ, बस अब चलते हैं घर। बस जल्दी के लिए एक सलक्स लेना है, बस सलक्स लेते हैं और निकलते हैं घर। मैंने सारा सामान खरीद लिया है, ये देखिए सलक्स जति के लिए, और ये जो बड़ा तरकारी गेलू के लिए, और सारा सामान मैंने खरीद लिया है। मुझे थोड़ी चिंता हो रही है बाबूजी की, क्योंकि बाबूजी को मैंने कभी अकेला नहीं छोड़ी, तो ये पहली बार मैंने बाबूजी को छोड़ा है बस में। और जब भी बाबूजी कहीं पे जाते हैं मैं लेके जाता था, तो आज पहली बार बाबूजी अकेला गए, और मुझे भी थोड़ा चिंता हो रही है, और देखते हैं क्या होता है। और बाबूजी तो निकल गए, शायद पहुंच चुके होंगे, वो एक्सप्रेस बस में मैंने चढ़ाया, और बस 5-10 मिनट के बाद फ़ोन करूँगा बाबूजी पहुँचे कि नहीं। फाइनली मैं घर पहुँच चुका हूँ, और भाभी जी का भाई छोटा भाई फ़ोन किया था कि बाबूजी घर पहुँच चुके हैं, बस चिंता से थोड़ा फुर्सत मिल गई। चलिए अब ब्रश व्रश करते हैं, और चलो सुबह से पढ़ाई कर रहा है, ये देखिए मम्मी जी आज पढ़ा रहे हैं गेलू को, गेलू कर रहा है पढ़ाई, ट्यूशन की पढ़ाई। भाभी अभी पूजा करके आ रही है, बस अभी टाइम हो रहा है 10:30। बस अभी हम खाएंगे कुछ भाभी का साथ, सुबह से कुछ नहीं खाए, बस मुड़ी वगैरह खा लेते हैं, और फिर स्टार्ट करेंगे कुछ स्पेशल लंच के लिए। चलिए देखते हैं आज लंच में भाभी क्या बनाता है, खाने के बाद दिखाता हूँ आप लोगों को। फाइनली अभी 12 बज रहा है दोपहर को, बस अभी आज का लंच में बनेगा, ये देखिए ये रहा अरबी, अरबी करी बनेगा। ये जो करी बनेगा सिर्फ मैं बनाऊंगा, क्योंकि भाभी का तबीयत बहुत ख़राब है, और इसलिए वो बोल रहा है कि मैं नहीं बना पाऊंगा, वो भी कुछ भी बनाने की मतलब लायक अभी नहीं है, क्योंकि उसका पेट में थोड़ा दर्द हो रहा है, इसलिए वो घर में सोया हुआ है। चलिए मैं उसे बनाता हूँ, चलिए देखते हैं बना पाता हूँ कि नहीं। चलिए
पहले मैं काट चुका हूँ अरबी। ये देखिए आज मैंने कहा अरबी की करी, बस ये करी जो है वो बहुत मस्त बनती है। मैंने तो कभी बना नहीं, बस हमेशा भाभी और मम्मी जी बनाते थे, और आज मैं बनाऊंगा क्योंकि भाभी का तबीयत ठीक नहीं है। सच वो बोल रहा है कि मैं नहीं बना पाऊँगा और पेट में दर्द हो रहा है, बस इसे मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। चलिए अगर उनका पेट थोड़ा ठीक हो जाता है तो वो आके बनाएंगे। चलिए इसमें थोड़ा पानी डालते हैं और पानी डालने के बाद इसे उबालते हैं, गर्म पानी में उबालते हैं 10-15 मिनट के लिए। उसके बाद इसमें जो मतलब कड़वा चीज होता है ना वो निकल जाएगा पानी में, तो पानी फेंकना है, उसके बाद बनाएंगे इसे। चलिए अब चलते हैं उसे उबालने के लिए। और फाइनली भाभी ने आ चुके हैं वो अरबी की करी बनाने के लिए। ये देखिए वो आ चुके हैं और हमारा अरबी, और ये जो ये अरबी है उसे मैंने काट के थोड़ा उबाल लिया था गर्म पानी में, और बस बनाएंगे अभी। वो इसलिए उबाला जाता है कि इसमें जो कड़वा हट रहता है ना, ये पानी निकाल दिया है, क्योंकि वो जो मुंह में जलन नहीं होगा इसलिए ये इसे हम उबाल के पानी निकाल दिए हैं। फाइनली हमारा अरबी का करी बन के रेडी, और इसे बनाया भाभी ने, ये देखिए, और उसके गोद में जती। और बस देखते हैं कैसा टेस्ट है। इसमें थोड़ा दीजिए तो प्लेट में खाएंगे, थोड़ा टेस्ट करेंगे कैसा टेस्ट है। बस रहने दो। ये देखिए ये एकदम पक चुका है। वाह फाइनली हमारा अरबी का करी मस्त बनी, बहुत टेस्ट भी बनी है, भारी स्वादिष्ट, एकदम चिकन जैसा लग रहा है। खाएंगे भात के साथ खाएंगे। फाइनली हमारा करी बन के रेडी, चलिए खाते हैं लंच के साथ, एकदम मस्त बनी है, टेस्ट भी बहुत बढ़िया। चलिए अब चलते हैं घर के अंदर, खाएंगे लंच में। फाइनली हमारा अरबी का करी बन के रेडी, बस अब खाते हैं राइस के साथ। फाइनली खाते हैं राइस के साथ ये अरबी का करी, और मम्मी ने बनाया था वो गेहूं का करी, बस खाते हैं। देखिए कितना मस्त बनी है, एकदम सुंदर। ये देखिए मैं खाता हूँ, एकदम बढ़िया तरीके से पका है, देखिए एकदम मस्त बनी है। खाते हैं अरबी का करी के साथ राइस। गेलू बैठ चुका है खाने के लिए, गेलू मोबाइल देख के खाएगा, यहाँ पर दादी और यहाँ पे मम्मी जी बैठे हैं, और सबके लिए मैंने ले दिया है अरबी का करी, खाएंगे सब लोग। जत्ती भी यहाँ पे बैठा है। फाइनली खाते हैं लंच, ये देखिए बढ़िया बनी है, जल्दी गुल जाते हैं। बस बढ़िया बनी है, आज भाभी ने कमाल कर दिया अरबी का करी बना के।
कमांड कर दिया नीलेश के गलो, और जो दूसरा वाला मोबाइल है वो स्विच ऑफ हो गया, वो बोल रहा है कि ये वाला मोबाइल मुझे दे, मैं देखूंगा नटिया। चलिए हो गया, आज मजा आ गया खाने में। फाइनली टाइम हो रहा है 9:30, बस डिनर करते हैं और साथ में एडिटिंग स्टार्ट करते हैं। आज का ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर चैनल पे नए हो प्लीज सब्सक्राइब करके देना, और अपना माँ बाप का हमेशा ख्याल रखना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।